परेशानी चलने में? कोई नहीं, कोई अभी लग भी नहीं रहा कि ये भी नहीं मुझे पहले ऐसे में चलने में ऐसे पकड़ के कोई वाल रहेगा तो ऐसे पकड़ के ऐसे चल जाता नहीं क्या? अभी तो लगता अभी आप चल के दिखाइए, थोड़ा स्पीड में चल के दिखाइए। क्या नाम है आपका? योगेश पुत्र। योगेश जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? ईवी की प्रॉब्लम थी। कितने समय से है प्रॉब्लम? ऐसे 6 महीने से थी। मतलब मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे दिखाया, कोई उससे सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ही बोल रहे थे। उसके बाद में यूट्यूब पे इधर के मुझे एड्रेस मिला, तो जनवरी में 9 तारीख को मैं इधर आया फर्स्ट सिटी में। 10 दिन का ट्रीटमेंट करके मुझे कम से कम 70 या 75% रिलीफ मिला फर्स्ट विजिट में। मतलब उस टाइम तो मैं चल भी नहीं सकता था, पेन पूरा गया। हाँ, फुल, और पेन जो मेरा था वो पूरा का पूरा मतलब 100% पेन गया। फिर अभी सेकेंड विजिट के लिए मैं आया हूँ अभी अप्रैल में 24 तारीख को, और आज का डिस्चार्ज है मेरा 4 मई को। पर अभी तो मैं 90% पूरा कवर हूँ, सिर्फ 10% ऐसा रह गया कि घर जाके सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट प्लान लेना है। इससे अभी इतना रिलीफ है कि ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल के बारे में या डॉक्टर अविनाश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर वाले में बोलेंगे तो बहुत डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर भी उन्होंने इतना जल्दी ठीक किया कि मुझे लगा 1 साल लगेगा 2 साल लगेंगे, और डॉक्टर ने 2 विजिट में मुझे पूरा क्लियर कर दिया। इससे इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। बहुत अभी बहुत खुश हूँ इस वजह से। तो मुझे टेंशन भी था ऑपरेशन करके क्या करने का, कब का ऑपरेशन करेगा, और डॉक्टर साहब ने पहली बार ही बोला ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ठीक करेंगे। वो डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे मुझे ठीक किया। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे लाइक अपने महाराष्ट्र के पेशेंट्स के लिए अपनी मराठी लैंग्वेज में? ठीक है ना, महाराष्ट्र मराठी लोकांसाठी एवढं होतं ज्यांना ईवीएन आहे त्यांनी जास्त विचार पण करू नये ऑपरेशनचा, कारण की इथं ना स्वतःचा अनुभव आहे की एकदम व्यवस्थित 100% कव्हर होतं। माझा स्वतःचा अनुभव आहे, मी सेकंड विजिटमध्ये 90% कव्हर झाले, फक्त 10% कव्हर व्हायचं राहिलेले, त्यामुळे जास्त ऑपरेशनचं कोणी विचार पण करू नये। एकदा ट्राय केलं तर चांगलंच होईल, मी असं ऑपरेशनचं करायची गरज नाही तुम्हाला। अच्छा, ऑपरेशन के विचार से आपको क्या लगता है कि जो आपने पहली बार सुना होगा कि आपने लाइक रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसके बाद आपको क्या फील हुआ, फिर क्या सोचा आपने कि क्या करना? उस टाइम तो मैं बहुत डर गया था ऑपरेशन, मतलब पहले बार सुना था ऑपरेशन ऐसा, ईवीएन मालूम ही नहीं था, और स्वीटर डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, कुछ भी करूँ ऑपरेशन करना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में। फिर भी ये बोल गया ऑपरेशन तो नहीं करने का, फिर भी बहुत जगह देगा, ठाणे पुणे संचिति बहुत जगह पे देखा, उधर कोई ऐसा ठीक से किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि बाबा आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सब बोल रहे थे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद भी 100% गारंटी नहीं देती, उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद गारंटी भी नहीं दे सकते हम पूरा कि 100% की आप ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। फिर ऑपरेशन के मैंने पूरा डिलीवरी कर दिया था मन से। फिर बाद में यूट्यूब पे डॉक्टर का मैं उधर ट्रीटमेंट चालू था, उधर यूट्यूब पे दिख रहा था मेरे डॉक्टर का वीडियो। फिर आप बाद में कन्फर्म किया नहीं नहीं अभी जाएंगे यूपी, यूपी तो कभी आया भी नहीं था, ये भी आया अपना, अभी अच्छा लग रहा है कि उसने डिसीजन लिया तो आज अच्छा हो गया। इसलिए जो भी ईवीएन का पेशेंट है वो तो सब ने एक बार डिसीजन लीजिए, अच्छा ही हो जाएगा, गारंटी है। और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने सुना है कि यूट्यूब पर नो मेडिसिन नो इंजेक्शन नो कट का लाइन रहता है हमारे वीडियोज में, तो क्या रियल में एक्चुअल में ऐसा ही आपके साथ में हुआ, लाइक आप फर्स्ट विजिट हो चुका है सेकेंड विजिट हो चुका है, ऐसा कुछ रियलाइज किया आपने? नहीं, 100% इधर कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट के टाइम कोई मेडिसिन भी नहीं रहती, इंजेक्शन भी नहीं रहता, सारी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहती है उनका हॉस्पिटल का। ठीक है, यह मतलब हॉस्पिटल में खाने पीने की प्रॉब्लम या रहने की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं कोई नहीं, वो स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया मुझे कि मतलब जो पेशेंट के साथ कैसे इवन पेशेंट चलने में दिक्कत होती है उसके साथ कैसे कोऑपरेट करना है वो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। ठीक है, थैंक यू सो मच।